नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WLN 360। उत्तर प्रदेश में आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण का शोरगुल शाम को 5 बजते ही बंद हो गया, लेकिन दिन भर राजनीतिक पारा जरूर चढ़ा रहा। जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में आज क्षेत्रीय विधायक बाबूराम पासवान के नेतृत्व में भाजपाइयों ने बड़ी बाइक रैली निकालकर प्रत्याशी शैलेंद्र गुप्ता के समर्थन में जमकर वोट मांगे, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। विधायक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो चुनाव की इस समय अपना नगर निगम के जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें आज हमने देखा पूरे नगर में भ्रमण किया है, तो इसमें अपने जो बीजेपी पार्टी है इसका जो प्रदर्शन दिख रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये प्रदर्शन जहाँ पर आप खड़े हैं जी, ये रामलीला का ये ऐतिहासिक खाली होना जी और लोगों को जोड़ना जी, जो विकास अभी नहीं हुए थे उन विकासों के लिए लोग जी के जहन में है कि जितने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के निशान से जीत कर आए जो प्रत्याशी जी, जी। उन्होंने लोगों को धोखा दिया जी। तो आज पूरा पूर्णपुर आपने देखा होगा कमल में दिख रहा है जी, और सभी लोग जगह जगह पर भयंकर अपनी जो सहमति व्यक्त कर रहे हैं और जगह जगह फूल बरसा करके मालाएं पहरा रहे हैं, लोगों के अंदर उत्साह उमंग है भारतीय जनता। इसमें एक बात और कहना चाहूंगा विधायक जी, इसमें मैंने विशेष करके लोगों से जानकारी ली है, जिसमें आपके लिए स्पेशली लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं कि माननीय विधायक जी के साथ में हम लोग जो है पूरे जोर शोर से लगे हैं, कई संगठनों से भी बात हुई है, कई संगठन भी साथ में लगे हैं, तो इससे साबित होता है कि ये चुनाव जो है एक विशेष परिस्थिति में यहाँ जो है अपने पूरनपुर में विशेष रूप में देखा जा रहा है, तो इसमें जनता की जो उम्मीदें टिकी हैं उसके अंतर्गत मैं आपसे ऐसा है, परिवर्तन जनता चाहती है जी जी, और परिवर्तन जहाँ बुद्धिजीवी वर्ग आता निकल के आगे जी, आपने देखा जितने भी समाज हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं जी, जो लोग सामाजिक सेवाएं हैं करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, उनको का पूरा खुला समर्थन शैलेंद्र गुप्ता जी को इसलिए है कि जब परिवर्तन होता है तो उन गरीब के घरों में भी वो खुशहाली जाती है, और इसलिए आज पूरा समाज जागरूक होकर शैलेंद्र गुप्ता को समर्थन दिया, और मैं उनको विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ यहाँ पर इतना बड़ा विकास होगा, यह आदर्श नगर पालिका बनेगी, ये मैं वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आप देख रहे हैं WLN 360। दादा, शुभ नाम आपका? डीपी भारती जी, धन्यवाद। ये जो इस समय अपने नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा, इस समय जो है पूरे नगर में आज मैंने भ्रमण किया है, हमारी पूरी टीम अपने पूरे जो है कार्यकर्ताओं के साथ घूमी है, तो बड़े जो शोर के साथ में कई संगठन जो है बीजेपी के प्रति समर्पित भाव से दिखे, तो इस चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दिया कि पूरा नगर आपने देखा है, तमाम संगठन साथ आ गए हैं जी, पूरा नगर का हर समाज और सभी सामाजिक संगठन, व्यापारी संगठन जी, सभी जितने यहाँ के संभ्रांत नागरिक और पदाधिकारी नेतागण जी, आपने स्वयं देखा है, बता रहे हैं जी जी, बिल्कुल, पूरी हमारी पूरी टीम घूमी है शैलेंद्र गुप्ता जी के साथ में जी, तो निश्चित रूप से जो अभी हमारी बाइक रैली हुई है, हजारों संख्या में ये बाइक रैली हमारी सुबह चल रही है जी जी, गली गली गई है, तो इसने सिद्ध कर दिया है कि अब पूरनपुर का चुनाव एक तरफा है और शैलेंद्र गुप्ता जी बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ जीत गया, क्योंकि जनता की उम्मीदें जो है वो आपके साथ में जुड़ी हुई हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जनता जो है वो आपके साथ जिस रूप में इस समय समर्पित है, तो उसका सम्मान मान सम्मान बचा रहेगा, पूरे देश की जनता हमारे माननीय मोदी जी के साथ जी जी जी, जी के साथ, पूरी जनता देश की और प्रदेश के साथ में है, भाजपा के साथ है, और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ में पूरनपुर से कमल खिलने जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद, जीतने जा रहे हैं, धन्यवाद आपका डीपी भारती जी, आप देख रहे हैं WNN आर्यन कश्यप के साथ विशेष रिपोर्ट नगर निकाय पूरनपुर से। आशुतोष दीक्षित जी, अच्छा, इस समय ब्लॉक प्रमुख का कार्यभार जो है प्रतिनिधि के रूप में आप देख रहे हैं, माता जी ब्लॉक ब्लॉक प्रतिनिधि के रूप में आप कार्यभार देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अपनी इस समय जो है बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी जो है शैलेंद्र गुप्ता जी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी छवि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल जी, पूरनपुर नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष का प्रत्याशी कमल का फूल, धन्यवाद, हमारी छवि, हमारा फूल, हमारा प्रत्याशी, हमारा फूल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जनता की जो उम्मीदें टिकी हुई हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हम पूरी टीम हमारी जो भ्रमण किया है पूरा नगर का, तो उसमें तमाम ऐसी चीज़ें देखने को नज़र आई हैं कि जिसमें कुछ लोग विशेष पूर्व कार्यकाल से लोग रुष्ट हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे जो लोगों की उम्मीदें हैं? वास्तव में अब विकास दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल, जनता पार्टी का प्रत्याशी जब जीतेगा तो वास्तव में विकास दिखेगा। ये पंचवर्षीय जो होगी इतिहास लिखने का काम करेगी। लोग वैसे भी कहते हैं हम जो है बीजेपी पार्टी में कि सबका साथ सबका विकास, तो इसी के स्तर पे जो है आप लोग कार्य कर रहे हैं, सबका विश्वास और सबका सम्मान रखा जाए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आशुतोष दीक्षित जी। आप देख रहे हैं WNN 360 आर्यन कश्यप के साथ विशेष रिपोर्ट।